उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी चहलकदमी का दौर तेज हो चला है। चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने संकेत दिया है कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ समझौता हो सकता है क्योंकि हम सब बीजेपी को रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य के लोगों को अच्छी सरकार देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में तानाशाही और निरंकुश सरकार को रोकने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हमारी सबसे बातचीत चल रही है, जैसी चीजें सामने आएगी हम इसकी जानकारी देंगे। रावण के अनुसार उत्तर प्रदेश में जंगलराज जैसे हालात हैं, असुरक्षा का माहौल है, प्रदेश में रोजगार नहीं है, पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। इसको रोकने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। आजाद पार्टी के प्रमुख ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की सभी संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस कथनी और करनी में फर्क है। यदि यूपी में किसी दलित की हत्या होती है तो कांग्रेस खुलकर बोलती है, लेकिन बाकी राज्यों खासकर कांग्रेस शासित प्रदेशों के मामले में कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए उसके साथ गठबंधन नहीं हो सकता है। मायावती के साथ गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बुआ जी यानी मायावती के लिए बस इतना ही कहूंगा कि आज उन्हें समाज से ज्यादा अपने परिवार की चिंता है। सीबीआई और ईडी के डर से बहुत चुप हो जाती है, जिसका खामियाजा दलित समाज को भुगतना पड़ता है। मायावती के द्वारा चंद्रशेखर के वोट कटवा कहे जाने पर उन्होंने कहा कि वो मुझे कुछ भी कह सकती है। बीएसपी के साथ होने की सभी उम्मीदों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन की लड़ाई एसी कमरों में बैठकर नहीं लड़ी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन मायावती सिर्फ ट्वीट करती है। बकौल रावण, मुझे उनसे ज्यादा समाज की चिंता है। पश्चिम बंगाल चुनावों की मिसाल देते हुए भीम आर्मी चीफ ने कहा कि बंगाल की तरफ उत्तर प्रदेश में भी जनता बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेगी। राज्य के हालातों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि यहां शवों को कुत्ते नोच रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है और पुलिस यहां केवल तमाशा देख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बताते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बार बार ऐसे एक्सीडेंट नहीं होते हैं। उनके अनुसार बीजेपी ने चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नाम लड़ा, जिसके कारण उन्हें पिछले वर्ग का वोट मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि योगी राज में कोई भी सुखी। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें बीएचपीसी न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।